भूमि के लिए स्वजान भी रहेगा कुर्बान का काहे खा रहे हैं तब गुटखा काहे खा रहे हैं। आर्मी में जाना चाहिएगा, आगे आर्मी में जाना चाहिएगा क्या बात है। खगड़िया जिले के एक गांव में और यहां पर इतनी जो भीड़ लगी हुई है ये किसी नेता मंत्री किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के लिए नहीं है, जो कि सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है बिहार के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर इंडियन आर्मी, उनके लिए है। कैप्टन आनंद की मृत्यु हो गई थी एक लैंडमाइन के फटने की वजह से, उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव आने वाला है अभी, उसी के भी उन्हीं को देखने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए इतने लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? किस लिए आए हैं यहाँ पे? शहीद वो हुआ है ना इसलिए आए, शहीद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इतनी जो भीड़ है उनके घर तक जाना है क्या आप लोगों को? हाँ, देख रहे हैं कि झंडे लेकर के युवकों में कुछ ज्यादा ही उल्लास है, हर्ष है और यहाँ पर सारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस गम के माहौल में आप लोग, सब लोग यहाँ पर साथ में आए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं क्या? सबसे पहले हम सैल्यूट करना चाहेंगे उनको जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी नौजवान हैं सब इस देश के लिए शहीद हो। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अग्निवीर या फिर इस तरह का कोई भी स्कीम आता है तो क्या आप लोग देश की सेवा किसी भी हाल में करेंगे? और क्या करेंगे, करेंगे। कैप्टन आनंद की तरह ही आप लोग शहीद होने में कोई कसर छोड़ेंगे? ना, कोई नहीं, 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 नहीं। एक बार मातृभूमि के लिए स्वजान भी रहेगा कुर्बान का काहे खा रहे हैं तब गुटखा काहे खा रहे हैं? मातृभूमि की सेवा के लिए गुटखा खाना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं जरूरी है ना, खाइएगा आपसे नहीं, आज से छोड़ दीजिए मातृभूमि। हाँ, मातृभूमि कसम पक्का पक्का, इंडियन आर्मी में जाके सेवा कीजिए। ये यहाँ पर युवाओं के अंदर जोश और उमंग देख सकते हैं किस तरह का है, शहीद शहादत की तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन इस वक्त हम लोग खगड़िया जिले में मौजूद हैं और खगड़िया ज़िले का ये नया गांव है। अभी शहीद कैप्टन आनंद के बारे में पूरे के पूरे देश में बातें चल रही हैं। महज 24 साल उम्र के नौजवान थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं कहेंगे शहादत कहेंगे, शहीद हो गए। आप कौन हैं यहाँ पर? हम उनके ननिहाल के हुए, मतलब रिलेटिव हैं उनके, उनका ननिहाल मेरे गांव में है। अच्छा। और ये मामा हुए और उनसे मेरा, उनके ननिहाल से मेरा अच्छा रिश्ता था, रिलेशन था, वो आते जाते रहते थे तो काफ़ी क्लोज थे आपसे? क्लोज थे वो। यहाँ पर जैसा कि तमाम लोगों को देखने के मिलता है, तमाम नेता गण आते हैं यहाँ पर, आ चुके भी होंगे अभी तक, बहुत लोग आए होंगे, संवाद उनसे बात, उनके परिजनों से बातें भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत उनको बातें बता रहे होंगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन देश के लिए जो शहीद वो हुए हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर जनता जो इतनी आ रही है, क्या वो प्रेम मिल रहा है? खगड़ियावासी दुखी तो हैं ही, साथ साथ एक गर्व भी है कि मेरे खगड़िया का एक लाल जो है सो एक देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, इसका तो कुछ गर्व है, साथ ही साथ दुखी भी है, दुख भी है। मतलब कि एक अगर आप, आपके परिजन थे इसलिए आपको दुखी दुख है, तो है, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए तो इस बात पे आपको फक्र भी है? फक्र भी है कि देश की सेवा करते हुए रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, इसका तो तरह। ये चीज़ पूरे के पूरे बिहार के हर उस युवा को देखना चाहिए जो अग्निवीर योजना आते ही देश में तमाम जगहों पर दंगे कर रहे थे कि 4 साल, ये महज 24 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि घर, ये पीछे घर दिखाना चाहेंगे, महज महीने दिन भी नहीं हुआ है इस घर का गृह प्रवेश हुआ है, 1 तारीख को गृह प्रवेश हुआ है और अब इस को गृह प्रवेश हुआ है और हर कोई अपना घर इसलिए ही बनाता है ताकि उसमें रहे। बड़े भाई थे क्या वो? सबसे बड़े थे, एक छोटे भाई हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में, गृह प्रवेश में आए थे, गृह प्रवेश में आकर के वो गए थे 10 तारीख को गए हैं, 10 को वापस गए, 10 को वापस गए थे। और गृह प्रवेश हर कोई अपना घर इसी सपने से बनाता है कि उस घर में रह पाएंगे, उस घर में रह के तो सुख लेंगे और इसी सोच में वो घर बनाता है कि रिटायरमेंट के बाद वो सोचेंगे कि आकर इसी घर में हम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अभी चर्चा चल रहा था, शादी की भी चर्चा चल रही थी, सब कुछ उजर गया, कुछ भी नहीं कह सकते, गर्व तो है लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएँ आती हैं शहादत की और एक जो ये आतंकवाद फैलाते हैं जो लोग देश के बाहर से हैं उनसे तो कोई गम नहीं है, देश के अंदर रह कर भी जो अगर आतंकवाद फैलाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ही हम लोगों का एक गुस्सा है। और अगर मिल जाए तो ये भीड़ आप देख सकते हैं पीछे जितनी भी भीड़ है तो क्या हश्र करेगी। और यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। क्या लगता है आर्मी में जाना चाहिएगा, आगे आर्मी में जाना चाहिएगा क्या बात है? मैं अच्छा, और लोग हैं कुछ, अगर आप बताइए, अगर आप उम्र आपकी सही रहे तो आर्मी में जाना चाहिएगा देश की सेवा इस तरह से? हम 3 भाई हैं, 2 भाई फौज में है,
एक भाई डर नहीं लगता है कि शहीद हो जाएंगे? लगेगा, ये तो बहुत गर्व की बात है कि देश की सेवा के लिए संयोग हो गया, डर क्या लगेगा? तो मतलब कि शहादत होता है तो आप लोग को फक्र है, कहीं ना कहीं दुख से ज्यादा फक्र है कि देश के लिए वो शहीद हो गए। तो इस बात का आपको फक्र है कि देश के लिए वो शहीद हो गए? शहीद हो गए। तो ये देख सकते हैं सोच कितनी महान है यहाँ के लोगों की, कि इस बात का फक्र है उन्हें कि बेटा शहीद तो हुआ है, उसे देखने के लिए दुख तो है मन में, लेकिन उसको व्यक्त करते हुए ये भी कह रहे हैं कि देश के लिए शहीद हुआ है, तो इस बात का गर्व है। तो कहीं ना कहीं ये दुख इनके मन में थोड़ा कम हो जाता है कि देश के लिए शहीद हुए, किसी और चीज़ के लिए वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, देश के लिए मृत्यु हुई है। आगे की खबर देते रहेंगे। अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है कुछ ही पल में। पल पल की अपडेट्स आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क बिहार। जय हिंद।